अदीजा शेख एंड यू आर वाचिंग टॉप 10 न्यूज़ ऑफ बॉलीवुड। तो पहली बड़ी खबर ये है कि ईद अभी आने को थोड़ा वक्त है, लेकिन सलमान खान अपने फैंस को इस बार वैलेंटाइंस डे पर भी तोहफा दे सकते हैं अपने नए गाने के रूप में। फिल्म किसी का भाई किसी की जान से पहला गाना या ये कहे फिल्म का लव ट्रैक नयो लगदा वैलेंटाइंस डे के मौके पर रिलीज होने वाला है। टीजर आ चुका है और सॉन्ग भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। दूसरी खबर है कि पठान के बिहाइंड द सीन्स ने किया एक बड़ा खुलासा। बिहाइंड द सीन्स वीडियो में शाहरुख खान खुद अपने स्टंट्स करते हुए दिख रहे हैं। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि स्टार्स अपने एक्शन सीन्स नहीं करते हैं, सिर्फ क्लोजअप में आते हैं, लेकिन ये वीडियो बताता है कि एसआरके का पैशन कितना है फिल्म्स को लेकर। पठान पे आ ही गए हैं तो बात करते हैं सिद्धार्थ आनंद के एक इंटरव्यू पर। सिद्धार्थ आनंद ने हाल ही में एक इंटरव्यू में एक डायरेक्टर पर इनडायरेक्टली टॉन्ट मारा है। पठान डायरेक्टर बोले कि वो कोशिश करते हैं अलग अलग टाइप के एक्शन दिखाने के, ना कि एक ही तरह की गाड़ियां उड़ाने वाले सीन्स या कुछ करना। अब ये उनका तीर निकल तो चुका है, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। पैन इंडिया फोटोज में आजकल तो मानो हर जगह इंडस्ट्रीज का मेल मिलाप हो रहा है, चाहे वो फिल्म्स हो, सीरीज हो या इवेंट्स हो, हर जगह अलग अलग इंडस्ट्रीज के स्टार साथ दिखाई दे रहे हैं। इस बार कैप्चर हुए हैं अक्षय कुमार, कमल हसन, करण जौहर, मोहनलाल और पृथ्वीराज समकरण एक फ्रेम में, जो राजस्थान में बिजनेसमैन की शादी अटेंड करने गए थे। शादी की बात हो रही है तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा और उसके बैकग्राउंड में रांझा सॉन्ग का एक अलग वर्जन देखने को मिला है। इस पर यह खुलासा हुआ है कि कियारा आडवाणी चाहती थी कि ये गाना यूज हो, लेकिन सैड सॉन्ग होने के कारण सेम सॉन्ग नहीं ले पाए, लेकिन लिरिक्स चेंज करके उससे शादी के लिए स्पेशल बनाया गया है, जो अब काफी अच्छा भी लग रहा है। अगली न्यूज भी सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी पर ही है। खबरें हैं कि शादी के बाद उन्हें करण जौहर की तरफ से 3 फिल्मों का ऑफर मिला है। अब ये न्यूज कितनी सच है इसका अभी कोई अश्योरेंस नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो हम मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा को बहुत ही लंबे वक्त तक बड़े पर्दे पर साथ देखने वाले हैं। जॉनी लीवर और उनकी फैमिली ने सोशल मीडिया को कहा अलविदा। जॉनी लीवर उनके बेटे और बेटी ने सोशल मीडिया पर सैड और हार्ट ब्रेक इमोजी डाल लास्ट अपलोड पोस्ट किया है और कहा है 12 फरवरी 12 बजे होगा लीवर फैमिली का लास्ट अपलोड। अब ये क्या है, क्यों है, वो बाद में समझाया जाएगा और जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको तुरंत बताएंगे। अगर हम अनकही बातों पर है तो रवीना टंडन ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में कुछ खुलासे किए हैं। रवीना ने अपने करियर से कुछ खुलासे किए। एक बार एक पोस्टर ने उनसे बातचीत मिलना जुलना बंद कर दिया था अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर। रवीना टंडन ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ऐसे सीधे साधे अच्छे व्यक्ति कौन हो सकते हैं, अगर आप जानते हैं तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। अब आगे बात करते हैं एनिवर्सरी पर। बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म गहराइया को आज 1 साल पूरे हुए हैं। फिल्म अपनी स्क्रिप्ट की वजह से बहुत गहरी गई, लेकिन दीपिका की परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट थी और ऐसा भी कह सकते हैं कि गहराइया जितनी भी पानी के ऊपर थी वो दीपिका की वजह से। लास्ट बट नॉट लिस्ट आखिरी न्यूज है हमारे फैमिली मैन मनोज वाजपेयी से, जो एक बार फिर आ रहे हैं लेकिन इस बार नई फैमिली के साथ। मनोज वाजपेयी की फैमिली ड्रामा फिल्म गुलमोहर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और फिल्म फुल ऑफ इमोशनल एलिमेंट्स लग रही है। With real good cast of Manoj Bajpayee, veteran actor Sharmila Tagore, British Indian actor Suraj Sharma, और film 3 मार्च को Disney Plus Hotstar पर release होगी। Well, thanks for watching. We hope that you like the video and for such more daily updates, be in touch with our channel.